Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in our second lecture of Control System Engineering. And in last lecture we have discussed some important definition like system, input, output, what is my control system, as well as we have seen classification of control system in which first classification was open loop and closed loop. So open loop kya tha? Open loop ek aisi system hai jaha pe input आउटपुट इन इनपुट पे डिपेंडेंट होगा. जैसे यही इसी पेज पे आप देख रहे डेफिनेशन कि आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट. मतलब क्या, जितना आप इनपुट प्रोवाइड करोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा. बट इन अनदर वे और इन अनदर वर्ड्स आप आउटपुट को एडजस्ट नहीं कर सकते कि अगर आपको आउटपुट 90% आ रहा है, 95% चाहिए, सो आप कोई भी इसमें चेंज नहीं कर सकते. दैट मीन्स योर इनपुट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट. ओके, सो दिस इज नोन एज अ ओपन लूप सिस्टम. एंड ओपन लूप सिस्टम में क्या रहेगा, ये फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा. जैसे यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किए थे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन. तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मतलब अगर आपने क्लीन क्लोथ भी वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में इंसर्ट किया तो भी वो उतना ही वॉशिंग उसका करेगा. इट कैन नॉट सेंस क्लीनलीनेस ऑफ दैट क्लोथ. सेकंड एग्जांपल था स्प्रिंकलर यूज टू वाटर लॉन. मतलब लॉन पे अगर पानी ऑलरेडी डाला है तो भी स्प्रिंकलर फिर से वाटरिंग करेगा. इट कांट सेंस द प्रेजेंस ऑफ वाटर. थर्ड था ऑटोमेटिक टोस्टर सिस्टम. दैट मीन्स अगर रोस्ट किए हुए टोस्ट भी सिस्टम में हमने इनपुट किए तो भी वो सिस्टम या फिर वो ऑटोमेटिक टोस्टर उसको रोस्ट करेगा. एंड द नेक्स्ट वॉज ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर. सो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर क्या है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम है लेकिन वो रन होगी अकॉर्डिंग टू टाइम, जस्ट लाइक 2 मिनट 4 मिनट. ठीक है, तो 2-2 मिनट के लिए जैसे अगर किसी वे पे ट्रैफिक कुछ भी नहीं है तो सडनली वो ग्रीन सिग्नल शो नहीं करेगा. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम. ओके, सो ओपन लूप सिस्टम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगेगा, एक इनपुट नोन एज अ रेफरेंस इनपुट, देन एक आउटपुट और एक सिंपली ट्रांसफर फंक्शन. दैट मीन्स इसमें कोई भी कंट्रोलिंग एक्शन नहीं रहेगा, सॉरी फीडबैक एलिमेंट नहीं रहेगा. सो दूसरा ही पार्ट है इसका क्लोज लूप सिस्टम. ओके, सो व्हाट इज क्लोज लूप सिस्टम, एग्जैक्टली अपोजिट टू ओपन लूप सिस्टम. दैट मीन्स यहां पे अ सिस्टम इन विच कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट. अब यहाँ पे आउटपुट पे इनपुट डिपेंडेंट है. मतलब क्या कि अगर आपको आउटपुट एडिट करना है, चेंज करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट, उसको अचीव करना है, तो आप इनपुट में वेरिएशन कर सकते हो सो दैट टू गेट डिजायर्ड आउटपुट. बट कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट इज टोटली इनडिपेंडेंट ऑन ऑफ द आउटपुट. अदर वर्ड्स में इसको बोल सकते कि यहाँ पे फीडबैक, इसकी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन क्या है कि जिस सिस्टम में फीडबैक एलिमेंट अगर प्रेजेंट है लाइक दिस, सो दिस इज नोन एज क्लोज लूप सिस्टम. क्योंकि यहाँ पे लूप क्लोज हो रहा है. देखो ये हो गया आपका फॉरवर्ड पाथ और ये है फीडबैक पाथ. मतलब कैसा है कि यहां से सिस्टम स्टार्ट हो रही है, आर ऑफ एस इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे, प्रोसेस होगा जी ऑफ एस और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा. वो आउटपुट अगर डिजायर्ड नहीं है, जितना चाहिए उतना उससे कम या ज्यादा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए, सेंस करने के लिए सबसे पहले ये फीडबैक लिमिट रहेगा. वो फीडबैक सिग्नल प्रोवाइड फिर से इनपुट में थ्रू समिंग पॉइंट ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होगा. ओके, तो ये होगी आपकी क्लोज लूप सिस्टम. क्योंकि यहाँ पे लूप क्लोज हो रहा है, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड, सो इट इज नोन एज अ लूप. और ओपन लूप सिस्टम क्या थी, ओनली वन वे, यहाँ पे इनपुट यहाँ पे आउटपुट. ओके, सो सिस्टम इन विच कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट. सच सिस्टम यूजेज अ फीडबैक प्रॉपर्टी. फीडबैक प्रॉपर्टी क्या थी कि जैसे एग्जांपल लेते हैं होम हीटिंग सिस्टम विद सेंसर. सो इन विंटर वी जनरली यूज अ होम हीटिंग सिस्टम. सो सपोज रूम का टेम्परेचर ऑलरेडी जितना चाहिए उतना अगर आ गया तो ऑटोमेटिकली होम हीटिंग सिस्टम बंद हो जाएगी. तो वहाँ पे सेंसर है, मतलब क्या है, फीडबैक
सिग्नल सेंसर दे रहा है सिस्टम को और सिस्टम का जो ऑपरेटिंग है वो ऑन ऑफ हो रहा है. देन ह्यूमन बीइंग इज अ मोस्ट एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम. जैसा ब्रेन हमारा हमेशा हमें अलर्ट करते है, जस्ट इमेजिन यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड, ओके, सो कब लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, बीच में खड्डा आ गया तो रुकना है या फिर जंप करना है, वॉट एवर. सो ये बहुत शॉर्ट टाइम में, माइक्रो सेकेंड से भी कम टाइम में ब्रेन ये सिग्नल बॉडी पार्ट्स को कंटिन्यूसली देते रहता है. दैट्स वाई ह्यूमन बींग इज अ मोस्ट कंट्रोल्ड सिस्टम. ओके, लाइक वाइज अ शिप स्टेबिलाइजेशन सिस्टम, वोल्टेज स्टेबिलाइजर, मिसाइल लॉन्चिंग. तो शिप स्टेबिलाइजेशन इन सी जितने वेव्स है सी वेव्स, ठीक है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली शिप स्टेबिलाइज होता है. वोल्टेज स्टेबिलाइजर, तो जनरली ऐसा नहीं कि हम उसको सेट नहीं करेंगे कि इतना वोल्टेज कम हुआ तो वो ये हार्मफुल नहीं होना चाहिए हमारी अप्लायंसेस को, इक्विपमेंट्स को. तो वोल्टेज कम ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन वोल्टेज स्टेबिलाइजर लगा दिया, ठीक है, तो इशू ओवर. यहाँ पे वो कितना भी लैग या फिर ओवर वोल्टेज रहा तो भी वो स्टेबिलाइज कर देगा. और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, सो ऑल दीज आर दी कंट्रोल्ड सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. क्लोज लूप क्यों? क्योंकि हर एक सिस्टम में फीडबैक सेंसिंग के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. ओके, सो व्हाट इज फीडबैक प्रॉपर्टी? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच परमिट्स द आउटपुट टू बी कंपेयर्ड विद अ रेफरेंस इनपुट. व्हाट? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम थ्रू विच इट परमिट्स आउटपुट टू कंपेयर्ड विद रेफरेंस इनपुट. हम यहाँ पे आउटपुट को इनपुट से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई इनपुट अपने इतना दिया था, हमने इनपुट 100 दिया है, प्रोसेस होके वो 95% मिला है. सो 5% का लैग है, फिर से 5% के लिए जो कुछ भी एक्स्ट्रा और पार्ट देना है उसको वो प्रोवाइड करो, फिर से सेंस करो, फिर से हो गया सपोज 98% है, फिर से हमें 2% का और उसमें इंक्रीज चाहिए, फिर से इनपुट और चेंज करो, फिर से प्रोसेस होगा, फाइनली सपोज 100%. सो इन दिस वे कंट्रोल सिस्टम एक्ट. लेकिन जैसे आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे इटरेशन हर बार कंटिन्यूसली चलते रहते हैं. अगर हम ओपन लूप सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, रिकैलिब्रेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं. एडवांटेजेस क्या है? सिंपल है और डिज़ाइन सिंपल है, इकोनॉमिकल है, इजी मेंटेनेंस है. यहाँ पे एक्चुअली क्या है, फीडबैक सिग्नल है ही नहीं, इसलिए इटरेशन बस सिंगल इटरेशन में ऑपरेशन आपका कंप्लीट. इटरेशन मतलब एक टर्न, आपने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिल गया. लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में क्या हो रहा है? क्लोज लूप सिस्टम में ये कंटिन्यूसली इटरेशन चल रही है. फॉरवर्ड पाथ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट, आउटपुट जितना चाहिए उतना नहीं है, फिर से इनपुट को हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो ये इटरेशन चलते रहता, ठीक है, ये इटरेशन कंटिन्यूसली ऐसा चलते रहेगा. कब तक? जब तक आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है तब तक. सो ड्यू टू दिस कंटिन्यूस इटरेशन ये सिस्टम थोड़ी सी कैसे है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी. ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग इसलिए फिर उसका स्टेबिलिटी प्रॉब्लम रहेगा, हमेशा इनस्टेबल रहेगा वो, क्योंकि स्टेबल होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. एक इटरेशन में नहीं मिला, दूसरा इटरेशन, तीसरा इटरेशन, चौथा इटरेशन, तो कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, इसलिए इस सिस्टम को स्टेबल होने के लिए टाइम लगेगा. ओके, एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी एक्यूरेट सिस्टम. इट सेंसेस एनवायरमेंटल चेंजेस एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू फीडबैक एलिमेंट. करेक्ट, जो प्रॉब्लम ओपन लूप सिस्टम में थे वो इसके यहाँ पे एडवांटेजेस पार्ट है. बैंडविड्थ एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई. ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए मतलब ज़्यादा इटरेशन के लिए, ज़्यादा रीडिंग के लिए उसको रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग. एज वी ऑलरेडी डिस्कस, कॉम्प्लिकेटेड क्यों? जितने ज़्यादा एलिमेंट रहेंगे सिस्टम में उतनी ज़्यादा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, और कंटिन्यूस इटरेशन की वजह से उसका जो रिस्पॉन्स आपको जितना चाहिए वो आने के लिए टाइम कंज्यूम करेगा वो. ओके, सो ड्यू टू फीडबैक एलिमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेबिलिटी भी रहेगा. सो एग्जाम्पल्स, ह्यूमन बींग, देन होम हीटिंग सिस्टम विथ सेंसर, शिप स्टेबिलाइजेशन सिस्टम, वोल्टेज स्टेबिलाइजर, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. ओके, सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप इज वॉट? देर इज अबसेंस ऑफ फीडबैक एलिमेंट इन ओपन लूप एंड हियर फीडबैक एलिमेंट इज प्रेजेंट. ओके, नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम.
हमारा पहला क्लासिफिकेशन था ओपन लूप क्लोज लूप, सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम. व्हाट इज माय लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम नाउ? सो वेयर कंट्रोल सिस्टम सेटिस्फाई टू रूल्स और थ्योरम. वन इज इफ सिस्टम फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रोपोर्शनैलिटी. सेकंड वन इज अ प्रोपोर्शनैलिटी. आई एम राइटिंग हियर. इफ सिस्टम फॉलोज और ओबेज टू रूल्स, वन इज सुपरपोजिशन थ्योरम और प्रिंसिपल. सेकंड वन इज लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शनैलिटी. सो इफ सिस्टम फॉलोज दीज टू रूल्स और दी लॉज, देन योर सिस्टम कैन बी टर्म एज लीनियर सिस्टम. एंड लेट मी टेल यू गाइज, नो सिस्टम इज अ लीनियर सिस्टम. एवरी प्रैक्टिकल सिस्टम इज अ नॉन लीनियर सिस्टम. ओके, सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है. सो वॉट इज प्रिंसिपल सुपरपोजिशन? सो मैथमेटिकली सी, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कोई फंक्शन है और ये इसके पैरामीटर्स है सपोज. सो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इफ इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो ये हो गया आपका लीनियर सिस्टम. मतलब ये लीनियरिटी, कुछ ना कुछ लीनियरिटी फॉलो कर रहा है. ओके, वैसे ही होमोजेनियस प्रॉपर्टी लाइक एफ ऑफ अल्फा एक्स, तो अल्फा जैसे कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल दिया और एफ ऑफ एक्स लिख दिया, तो कहीं ना कहीं ये लीनियरिटी फॉलो हो रही है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट हम बाहर निकालो और उसका इसका ही फंक्शनिंग है, सिर्फ एक्स का ही फंक्शनिंग है लाइक. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द सिस्टम इज लीनियर हैविंग इट्स कोएफिशिएंट एज कॉन्स्टेंट एंड प्रैक्टिकली द आउटपुट दैट इज रिस्पॉन्स वेरीज लीनियरली विद द इनपुट. फोर्सिंग फंक्शन ऑफ लीनियर सिस्टम. अब यहाँ पे जैसे हमने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रोपोर्शनलिटी, अगर ये दो रूल फॉलो हो रहे हैं स्ट्रिक्टली, दैट मीन्स योर सिस्टम इज लीनियर. तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नॉन लीनियर सिस्टम क्या होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सैचुरेशन. सैचुरेशन क्या है? हमने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में ग्राफ देखा था फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का. तो सपोज y एक्सिस पे है फोर्स और x एक्सिस पे है डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन. ओके, तो जैसे जैसे फोर्स की क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी बढ़ेगी, है ना. इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, फोर्स बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन ये ग्राफ कंटिन्यूसली ऐसा ट्रैवल करेगा क्या? ठीक है, नहीं ना. फोर्स डिस्प्लेसमेंट ये ग्राफ ऐसा ट्रैवल करेगा नहीं. क्यों? क्योंकि जब तक वो इलास्टिक लिमिट फॉलो हो रही है, इलास्टिसिटी फॉलो हो रही है, तब तक ये ग्राफ ऐसा जाएगा. फिर बाद में उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, सैचुरेट हो जाएगा, बाद में फ्रैक्चर आएगा और बाद में टूट जाएगा. ठीक है, तो ये ग्राफ एक्चुअली ये ऐसा कुछ तो भी फॉलो होगा. तो इस पॉइंट तक एग्जैक्टली जितना फोर्स बढ़ रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो यहाँ तक सिस्टम क्या थी? लीनियर थी, कि एक फंक्शन के अगेंस्ट दूसरा फंक्शन बराबर प्रोपोर्शनल है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. लेकिन ये जो फंक्शन है, सॉरी ये जो रूल है यहाँ पे, ये कंप्लीटली फॉलो हो रहा है क्या? नहीं, अप टू सर्टन लिमिट ये फॉलो हो रहा है. इसलिए हमने बोला कि कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम 100% लीनियर नहीं रहेगी, हर प्रैक्टिकल सिस्टम नॉन लीनियर ही है. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेड जोन हो गया, बैकलैश इन गियर्स हो गया, ये फ्रिक्शन हो गया. ठीक है, मैं लिख देता यहाँ पे फ्रिक्शन, कि लीनियरिटी फॉलो नहीं हो रही है या फिर प्रोपोर्शनलिटी फॉलो नहीं हो रही है. हर एक फंक्शन दूसरे के अगर प्रोपोर्शन में है तो पर्टिकुलर लिमिट तक के वो प्रोपोर्शन में रहेगा, उसके बाद में प्रोपोर्शनलिटी लूज हो जाएगी. सो दैट मीन्स कि वो नॉन लीनियर सिस्टम है. ओके, सो एग्जाम्पल देखो, सैचुरेशन, फ्रिक्शन, देन डेड जोन, बैकलैश इन गियर्स, ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम. लीनियर सिस्टम का कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, इट्स अ आइडियल कंसेप्ट एक्चुअली. एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन इज वॉट? टाइम वेरिंग
and time invariant system. Time varying and time invariant system. So name describe its meaning. What would be time varying system? If parameter of any system varying with time, that means system is time varying system. And though a system whose parameter does not vary with the time, that means time invariant system. And again, practically all systems are time varying system. No system is a time invariant. Okay, just like last में देखो example के हिसाब से हम explain करेंगे कि suppose mass of missile or rocket reduces as fuel burn and hence parameter mass is time varying particularly. Clear? So यहाँ पे जो मास रहेगा मिसाइल बोलो या फिर व्हीकल बोलो, व्हीकल रन हो रहा है, फ्यूल मास है, अभी पर्टिकुलर क्वांटिटी है, जैसे जैसा रन होगा फ्यूल कंज्यूम होगा, कंज्यूम मतलब यहाँ पे मास ऑफ फ्यूल कम हो गया. तो हर एक सिस्टम टाइम वेरिंग है, कोई भी सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज सिंपल और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्लोज लूप सिस्टम. तो हर बार हम क्लोज लूप सिस्टम को पढ़ेंगे और उसको ओपन लूप सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. एक्चुअली इस सिस्टम का या फिर इस यूनिट का टारगेट क्या है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमारे पास में रहेगी. अब कॉम्प्लिकेटेड मतलब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था थर्मल पावर प्लांट. सो थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारे इक्विपमेंट है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है, जैसे लाइक बॉयलर है, टर्बाइन है, ट्यूब्स है, ओके, वर्किंग फ्लूइड है. तो कंप्लीट सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, ये हो गया उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. और फाइनली उसका ट्रांसफर फंक्शन मतलब उसकी इफिशियंसी कैलकुलेट करना, तो ये उसका ट्रांसफर फंक्शन मतलब एनालिसिस ऑफ दैट सिस्टम. सो व्हाट इज अवर टास्क? अवर टास्क इज टू कन्वर्ट क्लोज लूप सिस्टम इंटू ओपन लूप सिस्टम. ठीक है? सो यहाँ पे आपके सामने क्लोज लूप सिस्टम है. सबसे पहले हम नोटेशन देख लेंगे. तो ये सर्कल है जिसको बोलते हैं समिंग पॉइंट. समिंग पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर सिग्नल कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ये सिग्नल है, इस सिग्नल का नाम है बी ऑफ एस. ठीक है, नाम दे दिया कुछ भी, लेकिन सिग्नल का जो साइन है वो माइनस प्लस, मतलब आइदर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता या फिर एड भी हो सकता. देन फर्स्ट लेटर है यहाँ पे आर ऑफ एस. सो वॉट इज आर ऑफ एस? आर ऑफ एस इज अ रेफरेंस इनपुट. और यहाँ पे हम लैपलास फॉर्म में उसको स्टडी करेंगे. जस्ट लाइक आर ऑफ टी मतलब क्या है? टाइम डोमेन में उसका इनपुट, टाइम डोमेन में. सी ऑफ टी मतलब आउटपुट है, कंट्रोल्ड आउटपुट, लेकिन टाइम डोमेन में. तो हर एक चीज को हम लैपलास फॉर्म में यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसका लैपलास फॉर्म हम कंसिडर करेंगे. सो आर ऑफ एस इज रेफरेंस इनपुट, और यू कैन से लैपलास ऑफ रेफरेंस इनपुट. Then C of S is controlled output, or you can say Laplace of controlled output. Then next is E of S. E is what? Error signal. जैसे ये समिंग पॉइंट है, सबसे पहले हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, देन G of S यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, C of S मतलब आप पे आउटपुट मिला, आउटपुट जितना चाहिए उतना अगर नहीं है तो हमने यहाँ पे फीडबैक सिग्नल निकाल लिया. तो एच ऑफ एस एक फीडबैक एलिमेंट है, ये फीडबैक एलिमेंट फीडबैक सिग्नल पास करेगा इनपुट को. तो बी ऑफ एस हो गया फीडबैक सिग्नल, ये फीडबैक सिग्नल इनपुट में ऐड होगा तो एक नया सिग्नल जनरेट होगा जिसको बोलेंगे हम ई ऑफ एस, एरर सिग्नल. और एरर सिग्नल फिर से ट्रांसफर फंक्शन में ऐड होगा और फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा. तो ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी जब तक आपको आउटपुट नहीं मिलता. सो इन दैट वे ई ऑफ एस क्या है? लैपलास ऑफ एरर सिग्नल. ओके, देन नेक्स्ट इज बी ऑफ एस. व्हाट इज बी ऑफ एस? बी ऑफ एस इज अ फीडबैक सिग्नल. एच ऑफ एस एक फीडबैक एलिमेंट है और उसका जो सिग्नल है वो फीडबैक सिग्नल हो गया. सो बी ऑफ एस क्या है? फीडबैक सिग्नल. नेक्स्ट है जी ऑफ एस. यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉरवर्ड फंक्शन में जो कुछ भी प्रोसेसिंग है पार्ट ट्रांसफर फंक्शन, वो हो गया आपका जी ऑफ एस. और फीडबैक पाथ, रिटर्न पाथ में जो एलिमेंट है वो है एच ऑफ एस, मतलब
फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन। तो ये ट्रांसफर फंक्शन है हमारे, ये फॉरवर्ड पाथ का है, ये रिटर्न पाथ का है, ठीक है। कंप्लीट सिस्टम का आउटपुट कुछ अलग रहेगा, सी ऑफ एस की वैल्यू कुछ अलग रहेगी यहाँ पे। तो फॉरवर्ड पाथ में ट्रांसफर फंक्शन कितना है, जी ऑफ एस ब्लॉक में, रिटर्न पाथ में ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ एस, और बाकी के सबके सब सिग्नल है। सिग्नल मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आर ऑफ एस क्या है, रेफरेंस इनपुट, सी ऑफ एस है कंट्रोल्ड आउटपुट, देन ई ऑफ एस एरर सिग्नल, बी ऑफ एस फीडबैक सिग्नल, ओके गॉट इट। एंड दिस सर्कल इज व्हाट, समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट मतलब जहां पे सिग्नल ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां से ब्रांचेस स्प्लिट हो रही है, जैसे यहाँ पे ब्रांच स्प्लिट नहीं हो रही, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन जो स्प्लिट होगी तो वो डायरेक्ट होंगी, जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिक वायर कनेक्शन, कि करंट यहाँ पे भी पास हो रहा है सी ऑफ एस में और नीचे भी जा रहा है, तो इक्वल करंट यहाँ पे दोनों वायर में पास हो रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे ये समिंग पॉइंट है, यहाँ पे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन चलेगा, यहाँ पे क्या चलता है, मल्टीप्लीकेशन चलता है, क्लियर है। सो ब्लॉक डायग्राम इन विच फॉरवर्ड पाथ कंटेन्स ओनली वन ब्लॉक, फीडबैक पाथ कंटेन्स ओनली वन ब्लॉक एंड वन समिंग पॉइंट एंड टेक ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट सिंपल और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। तो क्या होता है कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल मतलब सिंपल। तो सिंपल कंट्रोल सिस्टम में क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, फॉरवर्ड पाथ में एक ब्लॉक, रिटर्न पाथ में एक ब्लॉक, एक इनपुट, एक आउटपुट, एक समिंग पॉइंट, एक टेक ऑफ पॉइंट, बाकी ये सब सिग्नल है, गॉट इट। सो अगर जहां पे ये सिस्टम प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। अगर बहुत सारे फंक्शन है, मतलब फॉरवर्ड पाथ में एक से ज्यादा ब्लॉक है या फिर रिटर्न पाथ में एक से ज्यादा ब्लॉक है, तो भी वो क्लोज लूप सिस्टम है लेकिन वो सिंपल नहीं या फिर कैनोनिकल नहीं। तो कैनोनिकल और सिंपल होने के लिए बस ये एक एक एलिमेंट प्रेजेंट होना जरूरी है, जिसका एनालिसिस इजी हो सकता, जिसका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं, ओके। सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स विदाउट डिस्टर्बिंग आउटपुट ऑफ द सिस्टम, कि इस सिस्टम जो सिस्टम आपके सामने दिख रही है उसका जो एनालिसिस करना है उसका एनालिसिस हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड से कर सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स। जनरली देर आर 10 रूल्स आउट ऑफ विच 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे इसका एनालिसिस करना है मतलब क्या है, इसका एनालिसिस है कि मतलब ये फीडबैक सिग्नल वगैरह निकालना है हमें, एक इनपुट रहेगा, एक ट्रांसफर फंक्शन रहेगा और एक आउटपुट रहेगा सी ऑफ एस। तो इस डब्बे की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इस सिस्टम को, ये सिस्टम को हमें ऐसा कन्वर्ट करना है प्लेन। तो और ये किससे पॉसिबल है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड से। तो देखो सिंपल फॉर्म शो किया है जिसमें ये नोटेशन है, तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है सिंपल और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्लोज लूप सिस्टम का। मतलब इस सिस्टम को जब हम एनालाइज करेंगे तो उसका सिंपल फॉर्म, सिंपल ट्रांसफर फंक्शन क्या निकलेगा। तो ये सब समझ में आ गया, आर ऑफ एस, सी ऑफ एस, ई ऑफ एस, बी ऑफ एस, जी ऑफ एस एंड एच ऑफ एस। नाउ डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिंपल क्लोज लूप सिस्टम और कैनोनिकल क्लोज लूप सिस्टम। तो फिर से डायग्राम यहाँ पे आपके सामने दिख रही है आपको, जिसमें आर ऑफ एस इनपुट है, ई ऑफ एस एरर सिग्नल है, जी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन इन फॉरवर्ड पाथ, सी ऑफ एस कंट्रोल्ड आउटपुट, एच ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन इन रिटर्न पाथ या फिर फीडबैक एलिमेंट बोल सकते हो, और बी ऑफ एस क्या है, बी ऑफ एस फीडबैक सिग्नल। सो फ्रॉम डायग्राम कैन आई राइट वैल्यू ऑफ ई ऑफ एस। अब देखो ई ऑफ एस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ई ऑफ एस यहाँ पे इस वायर में, तो यहाँ पे आने के लिए ये आउटपुट हमें कैसा मिलेगा, एरर सिग्नल कैसा मिलेगा, ये जो है इसके पहले का आर ऑफ एस और ये बी ऑफ एस ऐड या फिर सेपरेट हो रहा है, हमने दोनों साइन ली। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है समिंग पॉइंट। तो समिंग पॉइंट मैंने क्या बोला था, समिंग पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर सिग्नल्स आर आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ई ऑफ एस लाने के लिए
इससे पहले क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, एक आर ऑफ एस और ये बी ऑफ एस एड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ ई ऑफ एस इक्वल टू आर ऑफ एस, और क्या हो रहा है माइनस प्लस। अब कुछ भी अगर प्लस लिख दिया मैंने तो आर ऑफ एस प्लस बी ऑफ एस, या फिर माइनस लिखा तो आर ऑफ एस माइनस बी ऑफ एस, तो जो साइन है वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि माइनस प्लस दोनों साइन माइनस प्लस बी ऑफ एस। इक्वेशन नंबर वन। देन बी ऑफ एस की वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले बी ऑफ एस मतलब बी ऑफ एस कहाँ से कहाँ तक, फीडबैक एलिमेंट से यहाँ तक वायर में जो सिग्नल है वो है आपका बी ऑफ एस। तो ये कैसे आया बी ऑफ एस, इससे पहले देखना पड़ेगा कि ये बी ऑफ एस कैसे मिला, ये फीडबैक एलिमेंट और यहाँ पे आने वाला सिग्नल। तो फीडबैक एलिमेंट है यहाँ पे एच ऑफ एस, ओके, और इसमें कौन सा सिग्नल आ रहा है देखो यहाँ पे, इससे पहले इसके और थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो देखो ई ऑफ एस और जी ऑफ एस है यहाँ पे, ये इन दोनों का प्रोसेसिंग होगा, जो कुछ भी जनरेट हुआ उसको क्या बोलते हैं सी ऑफ एस। तो आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो गया, तो ये आउटपुट इस ब्रांच में भी जा रहा है और उतना ही आउटपुट इस ब्रांच में भी आएगा। तो जो आउटपुट जनरेट हुआ उसको क्या बोला हमने सी ऑफ एस, सी ऑफ एस इसमें भी आएगा क्योंकि यही आउटपुट का सेंस लेके फीडबैक एलिमेंट को प्रोवाइड करेगा और फीडबैक सिग्नल भी इसको जा रहा है। तो सी ऑफ एस इधर भी पास हो रहा है और सी ऑफ एस इधर भी पास हो रहा है। सो बी ऑफ एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बी ऑफ एस होना चाहिए ये ब्लॉक और इसके साथ में आने वाला सिग्नल। सो एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस इंटू क्यू प्लस क्यू नहीं, क्योंकि समिंग पॉइंट पे ही एड या सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी सब जगह पे मल्टीप्लीकेशन होगा। नेक्स्ट एक एक हर एक सिग्नल की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, अभी ई ऑफ एस हो गया, बी ऑफ एस हो गया और सी ऑफ एस। सी ऑफ एस कैसे मिलेगा, यहाँ से जनरेट हुआ सी ऑफ एस, ठीक है, इधर गया सी ऑफ एस और इधर भी गया। तो सी ऑफ एस कैसे बना, सी ऑफ एस बना एक ये ब्लॉक और इसके पहले का सिग्नल, तो ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस बना आपका सी ऑफ एस, ओके। तो सी ऑफ एस की वैल्यू क्या रहेगी, ई ऑफ एस एरर सिग्नल इंटू जी ऑफ एस फॉरवर्ड पाथ फंक्शन। तो ये हमने सबके सब डायग्राम से, डायग्राम हमने रीड की और उसके हिसाब से हमने इक्वेशन बनाए। तो सी ऑफ एस हमने ये वैल्यू लिखी। नाउ जो इक्वेशन हमने बनाया है, इक्वेशन वन को हम फिर से थोड़ा सा अल्टर करते, इक्वेशन वन प्रोसीड, ई ऑफ एस इक्वल टू आर ऑफ एस एज इट इज माइनस प्लस बी ऑफ एस की वैल्यू हम लिख सकते हैं इक्वेशन टू से, ओके। सो बी ऑफ एस क्या है, एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस, एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस, क्लियर। एंड इक्वेशन थ्री देखो, सी ऑफ एस इक्वल टू ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। सो यहाँ पे भी ई ऑफ एस की वैल्यू निकलती है एक्चुअली। तो अगर मैं देखो जी ऑफ एस नीचे भेज दूँ, सी ऑफ एस बाय जी ऑफ एस कर दूँ तो ई ऑफ एस हो जाएगा। सो इक्वेशन थ्री, सी ऑफ एस बाय जी ऑफ एस, जी ऑफ एस को मैंने डिनोमीटर में लाया, इक्वल टू क्या हो गया ई ऑफ एस, लिख देता हूँ पहले ई ऑफ एस, इसको ही हम प्रोसीड करेंगे सी ऑफ एस बाय जी ऑफ एस इक्वल टू ई ऑफ एस की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन फोर, ई ऑफ एस की वैल्यू है आर ऑफ एस माइनस प्लस एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो ये जी ऑफ एस से हम कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सी ऑफ एस इक्वल टू, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ सी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन में जाएगा उधर। सो आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस माइनस प्लस एच ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, ठीक है, जी ऑफ एस से ये दोनों टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये सी ऑफ एस और ये सी ऑफ एस की टर्म हम एक जगह पे ला रहे हैं, तो मैं यहाँ ये सी ऑफ एस है और ये टर्म अगर हम इधर लाएंगे तो जो साइन है माइनस प्लस है तो इक्वल टू साइन की इधर आने के बाद में क्या हो जाएगा प्लस माइनस, अगर सिर्फ माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा
प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों साइन चेंज हो जाएगी। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ वन प्लस एच ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस और ब्रैकेट में सी ऑफ एस। समझ में आया क्या ये? देखो यहाँ पे ऑलरेडी सी ऑफ एस था और ये टर्म थी एच ऑफ एस, सी ऑफ एस, जी ऑफ एस, तो मैंने सी ऑफ एस एज इट इज़ यहाँ पे रखा और एच ऑफ एस, सी ऑफ एस, जी ऑफ एस ये इधर लाया। इधर लाया तो क्या हुआ, माइनस प्लस का प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, और सी ऑफ एस कॉमन भी निकला है ना, मतलब यहाँ पे भी सी ऑफ एस है और यहाँ पे भी सी ऑफ एस है, तो सी ऑफ एस कॉमन भी निकाला और ये टर्म इधर भी लाया, एक साथ दो ऑपरेशन किया हमने। इक्वल टू क्या था, आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। सो नाउ एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन मतलब होती है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ पे आउटपुट क्या है, आउटपुट है आपका सी ऑफ एस और इनपुट क्या है, आर ऑफ एस। तो हमें यही निकालना है, एक्चुअली क्या निकालना है हमें, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस। तो देखो यहाँ पे सी ऑफ एस और यहाँ पे आर ऑफ एस है, तो मैं यही अरेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस अगर हम निकालते हैं तो क्या क्या बचेगा, जी ऑफ एस एज इट इज डिवाइड बाय वो ब्रैकेट वन प्लस माइनस, वन प्लस माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अरेंज करके लिखा सही, एच ऑफ एस जी ऑफ एस लिखो या फिर जी ऑफ एस एच ऑफ एस लिखो, वन एंड सेम थिंग। तो ये हो गया डेरिवेशन फॉर सिंपल और कैनोनिकल क्लोज लूप सिस्टम, जिसका हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिस्टम रहेगी तो उसका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन क्या रहेगा, इफिशियंसी और ट्रांसफर फंक्शन, या फिर सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू जी ऑफ एस बाय वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। क्लियर है, समझ में आ गया? बाकी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड वी आर स्टॉपिंग हियर। थैंक यू।